फिल्मी पंचायत। 10 महीने से प्रेग्नेंट दृष्टि धामी की नहीं हो रही डिलीवरी। दृष्टि धामी और उनके पति नीरज खेम का 2024 में पहली बार पेरेंट्स बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने बेबी बंप के तमाम मजेदार रील्स फैन के साथ शेयर किए हैं। अब एक बार फिर से दृष्टि का सोशल मीडिया पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि बच्चा अभी भी आने में देरी हो रही है। दृष्टि धामी अपनी प्रेगनेंसी के 10वें महीने में एंटर कर चुकी हैं और अभी उनकी डिलीवरी नहीं हुई है। अनुपम खेर ने किरण के साथ अपना बच्चा ना होने का जताया अफसोस। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने जीवन के एक बेहद निजी पहलू के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि उन्हें अक्सर अपना खुद का जैविक बच्चा ना होने का अभाव महसूस होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वह अपने सौतेले बेटे सिकंदर के साथ खुश नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बच्चे को अपने आंखों के सामने बड़ा होता देखना खुशी की बात है। जी स्टूडियो और अनिल शर्मा की वनवास 20 दिसंबर को सिनेमा में होगी रिलीज। दशहरे पर उन्होंने अपनी अगली फिल्म वनवास के बारे में एक बड़ी घोषणा की। ऐसे में अब मैक्स ने फिल्म के रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। जी हाँ, यह फिल्म सिनेमा घरों में 20 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। वनवास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी होने वाली है जो एक टाइमलेस थीम पर रोशनी डालेगी। यह दिखाएगी कैसे फर्ज, सम्मान और अपने काम के परिणाम जिंदगी का आकार देते हैं। बगीरा के टेलर ने आते ही मचाया धमाल। मिनटों में पार हो गए लाखों व्यूज। आखिरकार जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया। जबरदस्त टीजर और फर्स्ट सॉन्ग रधीरा धारा के रिलीज के बाद अब मैक्स ने बगीरा के दमदार कनाडा ट्रेलर के साथ आ गए हैं, जो यह बताता है कि जल्द ही एक एक्शन से भरपूर फिल्म आने वाली है। काजोल का कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने वंश के कारण नहीं हूँ। अभिनेत्री काजोल ने हाल ही में बॉलीवुड में अपनी राह खुद बनाने के बारे में खुलकर बात की। या विरासत की बात नहीं है, या हर महिला का काम है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरे वंश की वजह से नहीं हूँ।